शुभ प्रभात मित्रों, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने पाठ एक वह चिड़िया जो कविता जो आपको मैंने कल उसका भावार्थ समझाया था, उसका अर्थ बताया था, आज फिर उसी को मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि उसका अभी प्रश्न अभ्यास कराना है। तो आप लोगों को आप चलिए आज मैं प्रश्न अभ्यास करवा देता हूं। तो पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अर्थात यह पाठ पढ़ने के बाद जो है, यह कविता पढ़ने के बाद जो है, आपके अंदर चिड़िया के प्रति जो भावनाएं हो रही हैं उसी को आपको जो है लिखना है। तो उत्तर इसका है, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं, जिसमें पहला है वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। यानी हमारे मन में क्या उभरता है चिड़िया के प्रति, कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया कैसी है, सुंदर चिड़िया है। दूसरा भाव क्या उठता है, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। तीसरा क्या है, वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया क्या है, वह बहते हुए नदी का पानी पीती है। अगला है, चिड़िया का आकार छोटा है। चिड़िया कैसी है, चिड़िया का आकार छोटा है। और नेक्स्ट है, उसे आजादी बहुत पसंद है। यानी चिड़िया को आजादी पसंद है। इस तरह से यह सब जो है हमारे मन के अंदर चिड़िया के प्रतिभाव उभर रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक, तो आप उम्मीद है कि आप पहले प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो जो है, तुम्हें कविता का कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। यानी इसमें यदि कविता आप पूरी तरह से पढ़े हैं, उस कविता को पढ़ने के बाद आपको यदि उस कविता का कोई अन्य शीर्षक देना हो तो आप क्या देंगे, यही पूछा जा रहा है। तो यानी यह जो है, इस पूरे कविता में चिड़िया के बारे में बताया गया, तो हम उस पाठ को शीर्षक अर्थात उसका हम जो पाठ का नाम देना है तो हम उसका शीर्षक क्या दे सकते हैं। तो देखिए, कई शीर्षक दे सकते हैं जो आपको उपयुक्त लगे। नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया, यानी वह चिड़िया के बारे में वह शीर्षक दूसरा देना है तो आप आसानी से इनको जो है दे सकते हैं। इस तरह से आपसे उम्मीद है कि आप दूसरे प्रश्न का उत्तर भी समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर तीन, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। यानी जो आप कविता पढ़े हैं, इस कविता के आधार पर आपको यह स्पष्ट करना है, बताना है कि चिड़िया को किन किन चीजों से जो है प्यार है। तो इसका उत्तर है, कविता के आधार पर चिड़िया को निम्नलिखित चीजों से प्यार है, जो नीचे लिखा हूं मैं। देखिए, पहला तो चिड़िया को खेतों में लगे अन्न से प्यार है। चिड़िया को किससे प्यार है, खेतों में जो अन्न लगे थे, जिसके जो दूध भरे दाने वह खाती थी चोंच मार करके, उससे प्यार होता है ना, तो वही पहला है, चिड़िया को खेतों में लगे अन्न से प्यार है। दूसरा, चिड़िया को जंगल में मिले एकांत से प्यार है। यानी जो बूढ़े पन बाबा के खातिर वह जो है गाना गाती थी, तो वहां है उसको एकांत चाहिए था, तो यानी चिड़िया को जंगल में मिले एकांत से भी प्यार है। अगला है, चिड़िया को नदी से प्यार है, जिसका ठंडा पानी वह पीती है। यानी चिड़िया जो है, जैसे चढ़ी नदी का जल वह अपने चोंचों से मार करके जो पानी पी लेती थी, तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि चिड़िया को नदी से प्यार है, जिसका वह मीठा जल जो है वह पीती है। आपसे उम्मीद है कि तीसरे प्रश्न का भी जो है उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार में है, आशय स्पष्ट करो। यानी आपके सामने जो है प्रश्न दिया गया है, उसका क्या आशय है, उसका क्या अर्थ है, उसका भावार्थ आपको जो है अपने शब्दों में बताना है। पहला है, रस उड़ेल कर गा लेती है। यानी इसका भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इस पंक्ति के द्वारा क्या भाव निकल करके आ रहा है सामने,
इस पंक्ति के में चिड़िया बंधन मुक्त और खुश होकर इतना सुंदर और मीठा गाना गाती है मानो उसने सारा रस गाने में उड़ेल दिया हो। यानी इसका तात्पर्य यह कि इस पंक्ति में चिड़िया जो है वह बंधन मुक्त, किसी का जो है उसके ऊपर बंधन नहीं होता है, दबाव नहीं होता है, जब वह स्वतंत्र होती है तो वह कैसा गाना गाती है, सुंदर और मीठा गाती है, जिससे कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपना गाने में सारा रस ही उड़ेल दी है। तो इस तरह से आपको इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। और अगला है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। उसी तरह से इस पंक्ति का भी भावार्थ आपको लिखना है। इसका भावार्थ यह होगा कि इस पंक्ति में चिड़िया के कार्य कुशलता को दर्शाया गया है, वह जल के बीच में स्थित मोती को ढूंढ लेती है अर्थात पानी को पी लेती है। यानी इस पंक्ति से चिड़िया के कार्य कुशलता अर्थात जिस तरह से बहते हुए जल में नदी का जो बहता हुआ जल होता है उसे वह अपने चोंच मार करके उसमें से पानी पी लेती है, तो इससे यह पता चलता है कि चिड़िया जो है उसके कार्य कुशलता के बारे में चलता है, कितनी वह चतुर है कि वह बहते हुए नदी के जल का भी को भी जो है आसानी से जो वह पी लेती है। तो हमें उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 4 का जो आशय स्पष्ट करना था वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब प्रश्न अभ्यास के बाद जो है आप आ जाइए भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है विशेषण छांटना है, जिसे आपको शब्द दिया हुआ है उस शब्द में, जैसे मान लीजिए यहाँ पंखों वाली चिड़िया और उसके नीचे एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है नीले पंखों वाली चिड़िया, तो जो नीचे लाइन की हुई है अंडरलाइन किया हुआ है यह दोनों जो है विशेषण है, लेकिन इस विशेषण के आगे भी एक विशेषण लगाना है। वैसे ही ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो, यह शब्द आपको लिखा हुआ है इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ करके आपको फिर से जो है नया शब्द बनाना है। जैसे मान लीजिए मोरों वाला बाग है, अब हम मोरों वाला बाग कैसा है, मोरों वाला, यह तो एक विशेषण इसके लगा हुआ है, लेकिन इस विशेषण के आगे भी एक विशेषण लगाना है, नया शब्द लिखना है, तो मोरों वाला बाग के आगे हम क्या लगा देंगे, सुनहरे मोरों वाला बाग या अच्छे मोरों वाला बाग या सुंदर मोरों वाला बाग। आपको कहने का मतलब एक नया शब्द दे करके जो है उसको जो है पूरा करना है। दूसरा है पेड़ों वाला घर, घर कैसा है, पेड़ों वाला है, तो हम उसके आगे एक और विशेषण लगा देंगे हरे भरे पेड़ों वाला घर। तो इसी तरह से जितने भी दिए गए हैं सबके आगे एक नया विशेषण लगाना है और उसको जो है लगा करके एक नया शब्द बनाना है। फिर आगे है फूलों वाली क्यारी, जैसे फिर उसके आगे हम लगा देंगे फूलों वाले क्यारी के आगे लाल फूलों वाली क्यारी, यहां हम लाल फूलों वाली लगा सकते हैं, पीले फूलों वाली लगा सकते हैं, नीले फूलों वाली लगा सकते हैं। कहने का मतलब इस विशेषण लगा करके इसको एक नया शब्द बनाना है। तो इस तरह से जितने भी शब्द दिए गए हैं सबके यानी इनके आगे एक विशेषण लगाना है। विशेषण यानी विशेषण जो किसी भी शब्द की जो है विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। स्कूल वाला बाग, स्कूल वाला रास्ता, यानी हमें चिन्ह देना है स्कूल वाला रास्ता कैसे, जैसे हम जैसे अपने स्कूल पे मान लो हम यहाँ पे लिखे हैं महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर कोई और शब्द भी दे सकते हैं धवल इंटरनेशनल स्कूल वाला रास्ता। यानी आपको एक नया शब्द बनाना है, विशेषण लगा करके एक नया शब्द बनाना है। अगला है हंसने वाला बच्चा, हंसने वाला बच्चा नहीं अधिक हंसता है कोई, कोई कम हंसता है, तो यानी वह उसकी विशेषता है, अधिक हंसना कम हंसना उस बच्चे की विशेषता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अधिक हंसने वाला बच्चा। अगला है मूछों वाला आदमी, यानी मूछों वाला आदमी, इसके आगे बड़ी मूछों वाला आदमी यानी छोटी मूछों वाला आदमी, तो हम यानी कहने का मतलब एक नया विशेषण इसके आगे सब जितने भी आपके सामने हैं सबके आगे एक एक नया विशेषण लगा करके एक नया शब्द बनाना है। यानी विशेषण, विशेषण और विशेष्य, जैसे इसमें एक है मोरों वाला बाग या सुनहरे मोरों वाला बाग, तो बाग जो होता है इसमें बाग क्या है, बाग जो है विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है,
बाघ की, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता उसकी होती है जैसे सुनहरे मोरों वाला, यह उसकी विशेषता है किसकी, बाघ की, तो जो विशेषता होती है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक, तो हम उम्मीद रखते हैं या उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह समझ में आ गया होगा। अगला है, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो, यानी कार्य करने का ढंग जो है या रीति उसका तरीका जो है उसके आधार पर क्रिया जो लिखे हुए वाक्य हैं, जो यह शब्द जो वाक्य लिखे हुए हैं उनमें से क्रिया विशेषण छांटना है। क्रिया, तो पहले छांटने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि क्रिया विशेषण होता क्या है। जब तक हमें क्रिया विशेषण पता नहीं होगा तब तक हम इनमें से क्रिया विशेषण नहीं छांट पाएंगे। तो क्रिया विशेषण उसे कहते हैं यानी जो क्रिया की, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहला है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, यानी जल्दी जल्दी, इसमें जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी कैसे मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, जल्दी जल्दी, तो यानी उसके खाने का जो है विशेषता बताया जा रहा है कि वह जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो यानी यहां पर क्रिया की क्या विशेषता है कि वह जल्दी जल्दी खा रही है। ठीक ना, तो इसी तरह से सब वाक्यों में से जो क्रिया की विशेषता शब्द बता रहे हैं उन्हें ही हमें लिखना है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य को पढ़ना है और उसको पढ़ करके उसमें से जो क्रिया विशेषण है उसे छांट करके लिख देना है। दूसरा जैसे है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो यहां पर गेंद कैसे गई, लुढ़कती हुई गई। देखिए जब हम कैसे करेंगे ना तो उसका उत्तर यू ही मिल जाएगा, जैसे हम इसमें किए गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, गेंद कैसी गई, तो गेंद जो है लुढ़कती हुई, तो यहां पर लुढ़कती क्या है, लुढ़कती जो है क्रिया विशेषण है, यह क्रिया की विशेषता बताई जा रही है इस शब्द के द्वारा। अगला है, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। देखिए उसी तरह इसमें भी, जब भूकंप के बाद जनजीवन कैसे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे होने लगा, तो यहां पर धीरे धीरे शब्द क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला है, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, यानी इसमें भी देखिए कोई सफेद सी चीज कैसे गिरी, धप से गिरी, तो धप से गिरी यानी जो बताया जा रहा है क्रिया की विशेषता जो है वह क्या है, धप से है, तो इस वाक्य में भी जो है धप से जो है वह क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। अगला है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, टॉमी फुर्ती से यानी टॉमी कैसे चोर पर झपटा, फुर्ती से झपटा, इसमें भी फुर्ती क्या हो गई, यह क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण उसे ही कहते हैं जो क्रिया की विशेषता, तो कैसे झपटा, फुर्ती से झपटा। अगला है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तेजिंदर कैसे बैठ गया कोने में, सहम कर बैठ गया, यानी उस क्रिया जो कर रहा है उसी की जो विशेषता बता रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें, इस वाक्य में सहम कर जो है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए हम इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला है, आज अचानक ठंड बढ़ गई, इस वाक्य में बताया जा रहा है कि आज अचानक कैसे ठंड बढ़ गई, अचानक एक बैग ठंड बढ़ गई, तो इसमें क्या है, जो अचानक है ये अचानक लिखा हुआ है, तो अचानक जो है यह क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी यह अचानक शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस तरह से यह दूसरा प्रश्न भी आपका हल हो गया। अब उम्मीद है कि आपको दूसरा शब्द भी समझ में आ गया होगा। हम यह जो आपको पहला चैप्टर, वह चिड़िया जो भावार्थ के साथ, प्रश्न अभ्यास के साथ अच्छी तरह से आपको जो समझा है इसको समझ करके पढ़िए और देखिए, इसके बाद यदि आपको इसमें कहीं भी कोई प्रश्न हो या शब्द हो जिसका अर्थ समझ में ना आए, वह आप जो है व्हाट्सएप के जरिए जो आप इसका फिर से जो है निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।